आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे सुसमय जवाब। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री खड़े होके तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, बैठे नहीं है, चुपचाप करिए सर, पूरे सब खड़े होंगे सर, कल फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं
और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए, नहीं गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज, जैसे मैंने प्लीज ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। एक मिनट बैठिए आप प्लीज। आप बोल रहे फिर, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानी सुन, प्लीज।
प्लीज 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 प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत महामारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? माननीय सदस्य, इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका। माननीय सदस्य देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आपको गलत तरीका आपका, माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्ट में लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही है मित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए।